हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दोगे बेटा। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है कि हमको एक पॉलीनोमियल को दूसरे से अगर डिवाइड करेंगे, मतलब जब दो पॉलीनोमियल्स आपस में डिवाइड्स होंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो बेटा देखो, ये क्लास 9th में भी था, 10th में भी है। तो 9th में, 10th मतलब आ सकता है, मैं नहीं कहूँगा आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इसके अच्छे सवाल जब कराऊंगा तो वो आ सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द पॉलीनोमियल, कह रहा है कि बेटा अगर एफ एक्स पॉलीनोमियल हमको दे रखा है यहाँ पर, ये रखा 14x, 14x³ माइनस का 5x² प्लस का 9x, और ये माइनस का वर्ग, ये हमको पॉलीनोमियल दे रखा है। और दूसरा हमको दे रखा है, ये दे रखा है 2x माइनस का 1। तो कह रहे हैं इनको fx को gx से डिवाइड किया जाता है, तो वो क्वेश्चन और रिमाइंडर यहाँ पर हमको बताने हैं। भाई ये क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन 10th में दिया गया है तो आपको बताया जा रहा है। हालांकि इसे सवाल आने की संभावना कम है, लेकिन डिवाइड कभी कभी आ जाएगा, तो अगर आपको आता है तो आ जाएगा, तो आप लोग कर ले जाओगे, आसान चीज है। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड यहाँ करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ लोग आपको बताएंगे। भाई 2x-1 को ये 14x³ माइनस का 5x² प्लस का 9x और माइनस का 1, भाई इसको हम 2x-1 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, जो यहाँ पे डिवाइड जो लिखते हैं ना, उस डिवाइड, जैसे मान लो यहाँ पे पी आपका आता है, तो मान लो पी आपका यहाँ पे आया, तो जैसे पी को जब 2x से डिवाइड करो तो आपका 14x³ आना चाहिए। तो जैसे मान लो बेटा हमको नहीं पता, तो हमें क्या था कि हमने, हमारा सीन क्या था कि हमको पी को जब 2x से डिवाइड करेंगे, जब पी, ये दोहरा, तो जब पी को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी एक्स को जब 2 से बेटा जब करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आपका आ जाएगा, 14x का क्यूब आपका आना चाहिए। तो ठीक है, पर यहाँ से पी की वैल्यू अगर निकालोगे तो आपका आ जाएगा 14x³, और एक्स इंटू x² हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2x आपका ऐसे रहेगा, ये आपका 7 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा आपका, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7x² आपका पी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये बेटा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। ठीक है, तो देखो यहाँ पी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, तो देखो अगर हम 7x² से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 × 2 = 14, या आपका 14 यहाँ पे आ जाएगा। एक्स का जो एक्स बेटा ध्यान देना, x² का मल्टीप्लाई जब एक्स से करो कितना आपका जाएगा, ये आपका x³ आ जाएगा। फिर बेटा इसके बाद स्टेप क्या करेंगे, इस x² का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से कर दिया जाएगा, माइनस का 7x² आपका आ जाएगा। भाई देखो इनको माइनस कर लेंगे, तो नियम का कहता है यहाँ देखो, तो प्लस का 14x³ लिखा है, आपका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 7x² आपका यहाँ पे प्लस आपका आ जाएगा। भाई देखो ये वाला प्लस ये माइनस आपस में कट जाएगा, यहाँ देखो तो प्लस का 7x² और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 2x² यहाँ पे आ जाएगा। प्लस तो हम लोग यहाँ पे हम 9x यहाँ पे हम लोग ये आगे वाले टर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पर 2x² लिखा है, इससे डिवाइड करें कि उस नंबर का मल्टीप्लाई 2x करें तो हमको 2x² मिलना चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, अगर इसको हम x से डिवाइड करते हैं, जब x से डिवाइड करोगे तो x का मल्टीप्लाई 2x करोगे, ये कितना आ जाएगा, 2x² आपका आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका पूरा पूरा स्वाहा हो जाएगा। भाई देखो ये प्लस ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो ये आपका लिखा है 9x और प्लस का x कितना जाएगा, ये आपका 10x यहाँ पे आ जाएगा। बेटा ध्यान देना, भले ही आपका x माइनस में है, लेकिन चिन्ह हमेशा प्लस वाला आपका लिया जाएगा, तो 9x प्लस का x होता है आपका 10x यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ये जो बेटा माइनस का 1 यहाँ पर ऐसे आपका लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ बेटा 2x लिखा है, यहाँ 10x लिखा है, इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आपका 10x आना चाहिए, इसको बेटा प्लस के 5 से करोगे तो देखो 5 × 2 = 10 आपका आ जाएगा, तो आपका 10x आ जाएगा। ठीक है, और 5 × 5 = 5, तो माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा। भाई ये माइनस से आपका प्लस, ये पूरा आपका कट जाएगा। भाई प्लस का 5 और माइनस का 1, तो आपका प्लस का 4 बचेगा, तो ये बेटा हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना हम लोग का यहाँ पे प्लस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा। और क्वेश्चन हमको देखो बेटा क्यूएक्स कितना हमको मिल जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 7x² प्लस का एक्स और प्लस का 5 मिल जाएगा, और हमको रिमाइंडर मतलब RS कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर, ये हमको मिल जाएगा 4 यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9th में था, 10th में फिर से है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को क्लास 9th के बच्चे भी देख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को,
क्लास नाइन्थ के बच्चे भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा क्लास नाइन्थ में सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। भाई देखो, क्लास नाइन्थ का पॉलीनोमियल और टेंथ का पॉलीनोमियल कम से कम कह सकते हो 60% सेम सेम पूरा है। थोड़े से अलग सवाल हैं तो बात की बात है, लेकिन चाहे तो क्लास नाइन्थ के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ में ही आपको उतना ही आएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।